हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के। मैं आपका दोस्त अनस पठान दोबारा आ गया एक वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो में हम आपको आपने आग कभी जलती हुई सबने एक कभी हर बार कई बार आग जलती हुई देखी होगी, पर उसमें फ्लेम कुछ ऑरेंज, कुछ रेड, कुछ ब्लू सी होती है, पर आज हम आपको हरी फ्लेम दिखाएंगे जलाकर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हरी आग के लिए हमें चाहिए होगा कॉपर सल्फेट और ब्यूरिक एसिड। ये खुद नहीं जलते तो हमें मेथनॉल चाहिए होगा एज एन फ्यूल इन दोनों को जलाने के लिए। हरी आग दोनों में से ही निकलेगी और अगर हम इन दोनों को मिला के जलाएंगे तो कैसे निकलेगी, तो आइए देखते हैं। सो ये कॉपर सल्फेट जो होता है ये एक्सट्रीम ब्लू कलर का होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बोरिक एसिड वाइट कलर का पाउडर होता है। अगर हम इनको ऐसे नॉर्मली जलाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं जलेंगे। ये दोनों ऐसे नहीं जलेंगे। जलाने के लिए इसमें हमें डालना पड़ेगा मेथनॉल। सो अब दोनों को हम जला के देखते हैं। तो जैसे कि आप दोनों का रिजल्ट अपने सामने देख पा रहे होंगे, बोरिक एसिड की फ्लेम बहुत अच्छी लग रही है हमें ग्रीन, और जो कॉपर सल्फेट है उसकी ज़्यादा क्लियर नहीं है और ज़्यादा देर तक जल भी नहीं रही। आप देख सकते हैं बुझ गई है, पर कॉपर जो बोरिक एसिड की फ्लेम है वो अभी तक जल रही है। सो आइए अब इन दोनों को हम मिला के ट्राई करते हैं। सो अब हम इन दोनों को मिला के देखते हैं कि कैसा रिएक्शन होता है। डाल रहे हैं हम कॉपर सल्फेट और ये बोरिक एसिड। सो आपने देखा देखने में कितना अच्छा लग रहा था। नॉर्मली आग की आप ऑरेंज या रेड देखते हो या ब्लू देखते हो, पर ग्रीन मैंने तो पहली बार देखी है। आई होप आपने भी पहली बार देखी है, कितना अच्छा लगता है देखने में। और अगर आप हम वैसे जो भी चीज़ें हैं जो मंगाते हैं ऑनलाइन ही मंगाइए, अगर आपको भी मंगानी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में आइडियाज़ देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।